dancing lockdown. From your hometown, dancing lockdown. Gotta sing, gotta sing. Suni hai saari galiyan, tham gaye hain hum. Online chal raha hai sab kuch, kya shant baithe hain hum. Suni hai saari galiyan, tham gaye. चल रहा है सब कुछ, क्यों शांत बैठे हैं हम. सपनों पर क्यों रोक लगे, बढ़ते रहेंगे हम. ऑनलाइन से डांस दिखा के सच करेंगे सपने हम. From your hometown, dancing lockdown. From your hometown, dancing lockdown. घर से लॉकडाउन में हमारे पास टीचर्स नहीं अवेलेबल है, हमें ये सब कोरियो खुद करना पड़ रहा है. आप जो कंटेस्टेंट हैं अपना कोरियो बेसिकली वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स इस समय हम लोग क्लासेस नहीं जा सकते, टीचर्स के पास नहीं जा सकते. और तुमने ये खुद कोरियोग्राफ किया होगा आई गेस, तो उस हिसाब से यार हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा किया तुमने. तो वैसे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही.
बाहों में जो सुकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, जाने बेचारी में हाय टूटे सारे की सारे को और इस ब्लाइंड फोल्ड को निकाला है। मैं डेफिनेटली आपके लिए एक क्लैपिंग करना चाहूँगी, क्योंकि घर के अंदर इस प्रॉप को यूज़ करना ये इतना भी इजी नहीं था। आई नो कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसको परफॉर्म किया है। बट जब जब आप प्रॉप को छोड़कर परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ वहाँ मुझे ऐसा लगा कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी, और आपने काट पीट लिया जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस हुआ था आपका। कोरियोग्राफी में थोड़ा सा और आप लेवल अप कर सकते हो और प्रैक्टिस करके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.
दोनों आंखें मारूं तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए, दोनों आंखें मारूं तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। बंकास, एक आंख मारूं तो रास्ता रुक जाए, दूजी आंख मारूं जमाना झुक जाए। एक आंख मारूं तो रास्ता रुक जाए, दूजी आंख मारूं जमाना झुक जाए। दोनों आंखें मारूं तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए, दोनों आंखें मारूं तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए। ए बंकर, तुम्हारा डांस देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं वापस पुराने 90s और 80s वाले जमाने में चली गई, जब अमिताभ बच्चन जितेंद्र वाला टाइम था। मुझे लग रहा है वापस मैं वहीं चली गई। ऐसा इतना बॉलीवुड, जो एकदम पुराना वाला बॉलीवुड नहीं था जो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट्स में देखा करते थे, एकदम वैसा डांस था। और तुम्हारा प्रॉप का यूज भी बहुत, ट्रिक्स थी जो बहुत नई थी, मैंने नहीं देखी थी। और बट मुझे बीच बीच में लगा तुम्हारे कुछ मूवमेंट्स इनकम्प्लीट रह गए, शायद कुछ तुम स्ट्रिक्स करना चाह रहे थे हैंकी के साथ, बट मुझे लगा कि वो पूरे नहीं हो पाए। बाकी तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बॉलीवुड ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, नाचना सिखाया, गाना सिखाया, जिंदगी जीने का तरीका भी बॉलीवुड ने ही हमें सिखाया। जीना या मरना या, इसके सिवा जाना कहा, जाना कहा। जीना या मरना या, इसके सिवा जाना कहा। जी जाए जब हमको हम थे वही, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये भी हमें हमारे काका ने सिखाया रे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे सदा। अरे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और आपने पावर मूव का यूज किया, लाइक के आपने जो टास्क दिया गया था जोकर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है आपने। और उसके साथ आपने एक ड्रॉप यूज़ किया, वेल डन। दूसरा एक जो आपका पावर मूव था हेड ग्लाइड, और उसे देख के तो भाई वाकई में मुझे बहुत मजा आ गया, और परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ही अच्छी रही। सबसे अच्छी बात आपकी स्मूथ कोरियोग्राफी थी, क्लीन था, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, ये आपको भी पता है। एंड बट एक छोटी सी चीज़ की शिकायत है मुझे, आपकी जो कोरियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली।
सो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप अपनी कोरियोग्राफी में थोड़ा सा फोकस करें एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना है हने 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 प्यार हो गया. मैं कैसे उसकी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा 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 खोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा 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 क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा. टीना शो आपका परफॉर्मेंस अच्छा था पर बाकी परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा डर लगा. इसमें मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई. आप डांसर बहुत अच्छे हो आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं पर यहाँ जब फेस एक्सप्रेशन की बात आती है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगा. ठीक है थोड़ी सी लाइन्स क्लियर करनी थी आपको और थोड़ी सी लाइन्स क्लियर करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता. ओवरऑल अच्छा था. ऑल द बेस्ट. Rock
खेड़ा है स्वैग सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक आओ मुंडे होके पर दे तेनू तक तक के नचे जदो हाथ तू लक उत्ते रख के प्रॉपर पटोला नखरा है स्वैग सूट पट्टे आला शाही चुन्नी मेरी ब्लैक आओ मुंडे होके पर दे मेनू तक तक के नचे जदो हाथ मैं लक उत्ते रख के सुना दी रखी कोई थोड़े ने गल्ला दी लाली नू मेकअप दी कोई लोड़ नहीं फुल गुलाब दे बुरने जनाब दे सौ लगे मम्मी दी मेनू तेरा कोई तोड़ नहीं थोड़ी ते दिल काला कुड़िया नी बातां पावे सूट पट्टियाला उची उची नू मत्ता पावे घर तेरा नी मैं आप लब लूं सानू बस दस जा तू ना लविशा लविशा आपकी परफॉर्मेंस आज मुझे ओके ओके लगी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी आप काफ़ी जगह पर ऑफ बीट थे काफ़ी लूज आपके स्टेप्स थे और मुझे लगता है इससे बहुत बेटर आप कर सकते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आगे जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो आपको बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ऑल द वेरी बेस्ट So guys, मुझे तो तीनों टीम के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे और आपको किसका डांस अच्छा लगा यह आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट करके नाम चलते हैं हमारे जजेस की ओर ये जानने के लिए कि कौन है हमारे फाइनलिस्ट और इनका सफर आज यही खत्म हो जाएगा जैसे कि हमें पता है ये लॉकडाउन का टाइम है हम अपनी क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं टीचर्स के साथ हम लोग लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उसमें से शायद बहुत सारे या मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे अपने जो एक्ट्स हैं वो खुद कोरियोग्राफ कर रहे हैं ऊपर से खुद की कोरियोग्राफी के साथ इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस कि मेरे टास्क अलग थे अमित सर के टास्क अलग थे दीपाश्री मैम के टास्क अलग थे और इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी मुझे लगा कि जो हमारे सेमीफाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके डांस से दिख रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है हम लोग स्क्रीन पे बैठ के उनका परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं बट शायद बिहाइंड द सीन उनकी मेहनत हम लोग जज नहीं कर सकते उन्होंने एक एक परफॉर्मेंस के लिए कितना प्रिपेयर किया होगा खुद को कितना उनको सोचना पड़ा होगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत मेहनत की है और मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ फाइनल्स के लिए होप आप अभी तक बहुत अच्छे से डांस करते आए होप आप आगे भी बहुत अच्छे से डांस करेंगे और ऑल द बेस्ट सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी सभी ने अच्छा डांस किया और अच्छा एंटरटेनमेंट किया मेरा तो मानना यही है कि मेरी टीम से कोई भी आउट ना हो बट रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई हारता है तभी कोई जीतता है तो आज जो हमारी टीम से दो आउट हो जाएंगे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा करें और ग्रैंड फाइनल तक पहुँचे ऑल द बेस्ट कीप डांसिंग मुझे आज की सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी जैसे कि मैंने जो सोच के ब्लाइंडफोल्ड दिया था और आप सबने उस पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है और मुझे थोड़ा यही देखना था कि जिस तरीके से आप अपने टेक्निक्स आप अपनी ट्रिक्स और अपनी कोरियोग्राफी को प्रेजेंट करते हैं फोल्ड के साथ सो वो कितना हद तक सक्सेसफुल होता है और सबने अपना 100% दिया है और मैं ये हमेशा बोलती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि हार और जीत तो चलती रहती है ये एक सिक्के के दो पहलू है सो उसको हम काउंट नहीं करेंगे और क्योंकि शो का रूल है कि कोई ना कोई आगे जाएगा और कोई रह जाएगा बट जो नहीं आगे जा पा रहे हैं वो हमारे सेकेंड सीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो आगे जाएंगे उनके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट तो हमारे शो में अभी मेरे टीम से कोई भी 4 कंटेस्टेंट आगे जा रहे हैं और 2 नहीं जा पाएंगे सो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना हमारे नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन
परफॉर्मेंसेस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। From your home, down, dancing, lockdown. From your home.